नमस्ते दोस्तों, आज हम बनाने वाले हैं कैरेमल कस्टर्ड बिना ओटीजी और ओवन के। आप घर पे ही कढ़ाई में ये कैरेमल कस्टर्ड आप कैसे बना सकते हो एकदम इजी तरीके से। तो चलिए रेसिपी को शुरू करते हैं। यहाँ पे हमें एक नॉनस्टिक पैन लेना है और इसमें मैंने आधा कप चीनी लिया है और इसमें हम डालेंगे एकदम थोड़ा सा पानी। पानी हमें ज़्यादा भी नहीं डालना है क्योंकि हमें शक्कर है, इसको अच्छे से कैरेमलाइज करना है। शक्कर है वो अच्छे से मेल्ट हो रही है, हमें गैस को स्लो पे ही रखना है और इसे अच्छे से कैरेमलाइज होने देना है। शक्कर है वो अच्छे से कैरेमलाइज होने चालू हो गई है। यहाँ पे हमें इतना ही कलर आने तक इसे कैरेमलाइज करना है। ज़्यादा अगर हम इसे कैरेमलाइज करेंगे तो ये कड़वी हो जाएगी। तो अभी हम गैस को बंद करेंगे और यहाँ पे मैंने ये केक का मोल्ड लिया है, आप कोई भी बर्तन ले सकते हो। हमने जो कैरेमलाइज की हुई शक्कर है वो हम इसमें डाल देंगे। इसे अभी हम फ्रिज में रखेंगे 5 मिनट के लिए ताकि ये अच्छे से सेट हो जाए। यहाँ पे हमें एक लेना है बाउल और इसमें हम डालेंगे 4 अंडे। और इसे में हम डालेंगे आधा कप चीनी और सारी चीज़ों को हम अच्छे से मिला के लेंगे। 7 से 8 ड्रॉप इसमें हम डालेंगे वैनिला एसेंस। वैनिला एसेंस ज़रूर डालिएगा, अंडे का जो स्ट्रॉन्ग स्मेल रहता है वो कम हो जाता है और कैरेमल कस्टर्ड को टेस्ट भी अच्छा आता है। अभी इसमें हम डालेंगे 2½ कप दूध। यहाँ पे हमें दूध को थोड़ा सा गुनगुना गर्म करके लेना है और फिर इसमें डालना है। इसे हम अच्छे से मिला के लेंगे और शक्कर को भी हम अच्छे से मेल्ट करके लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो कैरेमल है वो अच्छे से सेट हो गया है। अभी इसके ऊपर रखेंगे हम छन्नी और इसमें ये जो मिक्सर है वो हम छान के डाल देंगे। कैरेमल कस्टर्ड के अंदर पानी ना जाए इसके लिए हम इसके ऊपर लगाएंगे ये एल्यूमिनियम फॉइल। यहाँ पे हमें कढ़ाई लेना है और उसमें मैंने एक रिंग डाला है और पानी को हमें अच्छे से उबाल के लेना है। इसमें हम रखेंगे ये कैरेमल कस्टर्ड का टिन। इसके ऊपर हम ढक्कन रखेंगे और 30 से 35 मिनट के लिए हमें इसे अच्छे से स्टीम करके लेना है मीडियम गैस पे। 30 मिनट हो गए हैं, ढक्कन को भी हम खोल देंगे। गैस को मैंने बंद करके लिया है, अभी इसे हम ठंडा होने देंगे और उसके बाद ही इसे हमें खोलना है। ठंडा होने के बाद ये इजीली निकल जाता है दोस्तों। ये देखिए कैरेमल कस्टर्ड बनके रेडी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू एवरीवन।